अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से शतक नहीं, दोहरा शतक नहीं, बल्कि सीधा 400 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर ब्रेन लारा का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। खेली ऐसी धुआंधार पारी रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ एक ऐसी तूफानी पारी खेली है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ यशस्वी ने किस प्रकार से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद जब दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई तब आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने मैदान पर अपने साथी यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में बुलाया, लेकिन यशस्वी आज पहले दिन ही अपने बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले, इसका अंदाजा श्रीलंका को क्या खुद रोहित शर्मा और भारतीय खिलाड़ियों को भी तनिक नहीं था। आपको बता दें, इस मैच में यशस्वी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर चौके के साथ में अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो शुरुआत सिर्फ थी, यशस्वी ने तो इसके बाद में और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने उसके बाद अपना शतक, दोहरा शतक और 13 शतक लगाया और फिर वो हुआ जिसके कारण यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर विराजमान हो गए। साथ ही उन्होंने रोहित कोहली और खुद सचिन जैसे क्रिकेट के भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे ही अंदाजा हो गया था कि यशस्वी आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, वो तो मानो गेंदबाजों से खिलवाड़ ही कर रहे थे। अपना शतक पूरा मात्र 80 गेंद पर कर लिया। हालांकि यशस्वी ने शतक लगाने के बाद भी अपने आप को नहीं रोका, उनके सिर पर तो मानो खून सवार था और रनों की इसी भूख में उन्होंने श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को परेशान किया। यहाँ पर उन्होंने विरोधी टीम के गेंदबाज कासुन रजिथा के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाने के साथ अपने 150 रन का आंकड़ा पार मात्र 120 गेंद पर किया और 150 गेंद के अंदर अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। जहां पर उन्होंने अपना दोहरा शतक अपना मन पसंदीदा पुल शॉट के जरिए छक्के के रूप में पूरा किया, जिस पर खुद कोहली, रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर यशस्वी के सम्मान में खूब तालियां बजाई। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके और श्रीलंका के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए ये खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बारिश कर रहा था। बेहद खतरनाक बैटिंग करते हुए 250 रन का आंकड़ा 2 छक्के लगातार कमिंडो मेंडिस को लगाकर 230 गेंद पर पूरा किया और इसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, क्योंकि उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात अब तो नहीं थी। वो तो बस गेंदबाजों से अपने मन मुताबिक खिलवाड़ कर रहे थे। तभी यशस्वी ने अपना असली रूप दिखाते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए वो भी कप्तान धनंजय डिसिल्वा के सामने मात्र 250 गेंद पर अपना 300 रन का आंकड़ा पार किया और अपना 13 शतक पूरा कर महान दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवाया। जहां तक तो आज तक खुद रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं पहुंच पाए थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद लगा कि आपके यशस्वी वापस आ जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। पता नहीं वो श्रीलंका की किस बात का बदला ले रहे थे। देखते ही देखते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 350 रन का आंकड़ा 280 गेंद पर पूरा कर लिया और फिर वही हुआ जिसने यशस्वी को रोहित कोहली, सचिन से भी महान टेस्ट खिलाड़ी बना दिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी को आउट करने के लिए थकार कर अब लहिरु कुमार आए थे, उनकी भी अब तक खूब पिटाई हुई थी। यशस्वी जायसवाल 390 रनों के आंकड़े के पास थे, तभी लहिरु के स्लोअर बॉल पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव से मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर यशस्वी जायसवाल ने 400 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जो 150 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल एक महान खिलाड़ी ब्रेन लारा कर पाए थे। और आज यशस्वी ने ब्रेन लारा के उस इकलौते माइलस्टोन को भी तोड़ दिया जिसे तोड़ पाना लग रहा था कि किसी के बस की बात नहीं हो पाएगी। जहां यशस्वी ने अंत तक नाबाद रहते हुए 408 रनों की सुनहरी यादगार पारी खेली, इस दरमियान उनके बल्ले से 22 छक्के तो वहीं 30 चौके भी निकले थे, जो श्रीलंका की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। उनकी तारीफों में तो लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई थी। यहाँ तक की यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और अभ्यास मैच में किए गए इसी तरीके के तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में अब उनसे की गई। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।